आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ा, दिल्ली की तर्ज पर होगा विकास। जीबाई विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही हर पार्टी के उम्मीदवारों ने डोर टू डोर जाकर जनता को लोक लुभावन सपने दिखाना शुरू कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी से चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डीवाई विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले डीवाई क्षेत्र के ग्राम तलवार के निवासी डॉक्टर मनोज शर्मा को उतारा है। डॉक्टर मनोज शर्मा ने गांव में जोर शोर से प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया है। वहीं मनोज शर्मा ने अपने आवास पर ज्ञान नेशनल न्यूज चैनल के संवाददाता से रूबरू होते हुए कहा कि मैं तब से आम आदमी पार्टी का सिपाही हूं जब से पार्टी की नींव रखी गई थी, और उसी के परिणाम स्वरूप पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे विधानसभा निवास से चुनाव मैदान में उतारा है। मैं पार्टी की नीतियों को लेकर जनता के बीच जा रहा हूं और मुझे हर गांव में भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारी पार्टी ने पहली बार यूपी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए हैं और जनता बदलाव चाहती है। हमारी पार्टी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सुरक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में काम करती है, और यदि जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो दिल्ली की तर्ज पर विधानसभा डीवाई में आपके बीच रहकर विकास कराऊंगा। साजिद कुरैशी की रिपोर्ट। जैसा कि आप 2022 का चुनावी विजन बच चुका है और सारी पार्टियों ने अपनी अपनी तरीके से जनता को लुभाने के लिए अपनी अपनी तरीके से सबने कमर कस ली है, वहीं 403 विधानसभा क्षेत्र 403 सीटों में से 70% की सीटों में से जो एक डीवाई की बहुमूल्य सीट है, जो बहुत चर्चित सीट कहलाई जाती है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। हमारे साथ में इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के विधानसभा डीवाई से मनोज शर्मा मौजूद है, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, आपकी ये जो आम आदमी पार्टी ने जो आप पे विश्वास जताया है, तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या संदेश लेके जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं सलाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। और जहां तक आम आदमी पार्टी के संदेश की बात है, तो आम आदमी पार्टी जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। वही संदेश जो भाई केजरीवाल ने दिल्ली में और पूरे देश में, दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया है, पूरे देश के लिए जो संदेश दिया है, उसी संदेश में, उसी महायज्ञ में मेरी एक छोटी सी आहुति है। वो जो विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे लेकर के जाना, आगे बढ़ाना, मैं उसका एक छोटा सा सिपाही हूं। और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लगाती है कि केजरीवाल की सरकार से केवल झूठे वादे करती है और कुछ नहीं करती, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो उनको तो नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए। नोबेल पुरस्कार जो है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, झूठ बोलने पर, झूठा नंबर एक, झूठा झूठों की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। हिंदुस्तान इस बात को जान चुका है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जान चुकी है, और हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये जो शब्दावली है, ये उनके मुख्य शब्दकोश हैं, और इनके अलावा उनको कुछ आता जाता नहीं है। हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, उनके एजेंडे में न सुरक्षा है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, और न ही रोजगार है। अच्छा, 2012 है मुख्य जो ड्यूटी है उनकी, यही होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है क्या? वास्तव में मैं दो पंक्तियों में आपको बताता हूं कि छह भारत के वासी जो पूजा खद्दर की करते थे, खद्दर में घुसते ही वे नर नहीं देवता लगते थे, पर युग बदला, खद्दर बदला, खद्दरवादी भी बदल गए, और अब खद्दर में घुसते हैं अवसरवादी ठग नए नए। ये सारे लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये सब लोग अवसरवादी हैं। इन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पर, चाहे वो कांग्रेस हो, उसने मुसलमानों को उन्होंने मूर्ख बनाया, ध्रुवीकरण का काम किया, और वही काम भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को मूर्ख बना करके मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को डराकर बोलने पर, झूठा नंबर एक, झूठा झूठों की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। हिंदुस्तान इस बात को जान चुका है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जान चुकी है, और हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये जो शब्दावली है ये उनके मुख्य शब्दकोश हैं, और इनके अलावा उनको कुछ आता जाता नहीं है। हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, उनके एजेंडे में न सुरक्षा है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, और न ही रोजगार है। अच्छा, 2012 है मुख्य जो ड्यूटी है उनकी, यही होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है क्या? वास्तव में मैं दो पंक्तियों में आपको बताता हूं कि छह भारत के वासी जो पूजा खद्दर की करते थे, खद्दर में घुसते ही वे नर नहीं देवता लगते थे, पर युग बदला, खद्दरवादी भी बदल गए, और अब खद्दर में घुसते हैं अवसरवादी ठग नए नए। ये सारे लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये सब लोग अवसरवादी हैं।
इन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पर, चाहे वो कांग्रेस हो, उसने मुसलमानों को उन्होंने मूर्ख बनाया, ध्रुवीकरण का काम किया, और वही काम भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को मूर्ख बना करके मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को डराकर, धमकाकर, साम दाम दंड भेद की नीतियों को अपना करके वोट लेते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं। अच्छा सर, एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे जनता के बीच में आप आए हैं और आप किसी क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं, तो जनता, बहुत से लोगों के मन में ये विचार आता है कि ये प्रत्याशी आम आदमी पार्टी में प्रत्याशी, पता नहीं इसको ये कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, बहुत सी बातें लोगों के दिमाग में आती है। तो सर, मैं आपकी एजुकेशन के मामले में भी पूछना चाहूंगा। मेरी जो शिक्षा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मैंने अपना डॉक्टरेट किया है, एमए वहीं से किया, बीएड वहीं से किया, मैंने अपनी पीएचडी वहीं से की। उसके बाद मैं अनुच्छा डिग्री कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैंने दो साल काम किया। उसके तुरंत बाद अचानक से मुझे दुबई में मुझे पढ़ाने का मौका मिला, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं वहां पर गया और एक अच्छा अवसर मुझे मिला। 7 साल मैं बाहर रहा और अन्ना हजारे के मूवमेंट में जब मुझे पता चला कि देश को अब हमारी जरूरत है, एक सिपाही की जरूरत है, तो अन्ना हजारे के मूवमेंट में भाई केजरीवाल जी को जब जेल में डाला गया था, तो उस मूवमेंट में मैं दुबई से आया और तब से लेकर आज तक मैं एक सिपाही के रूप में आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। और इसी दौरान मैंने दुबई में रहते हुए ही मैंने जेनेवा यूनिवर्सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के भी मैंने डिप्लोमा कर रखे हैं। और जो इंटरनेशनल कैरिकुलम, अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो होता है, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का जो पाठ्यक्रम है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूं, उसके मैंने डिप्लोमा किए हुए। तो ये थे मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज शर्मा, जो बता रहे थे अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर के जनता के बीच में हम किस तरह से 2022 के चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ में साजिद कुरैशी, बुलंदशहर।